हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से ही होंगे। और अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं श्रम मित्र राम कैलाश यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हमें रेस्क्यू कॉल आई है। एक गांव कौन सा है, इनका नाम कौन सा है, जिला कौन सा है, आज हमारे भाई बताएंगे। बताइए। नौगा नगला नौगमा जिला पीलीभीत। आपका नाम? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल, इन्होंने साफ देखा था तो दोस्तों बता रहे हैं कि बिग साहेज कोई बेजुबान जीव है। तो दोस्तों मैं इसे अवश्य रेस्क्यू करूंगा और इसको पकड़ के यानी पर्यावरण प्रवेश में रिलीज करूंगा, क्योंकि इन्होंने एक जीव जंतु यानी बचाने का अपना पूरा प्रयास किया। आज यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक मारने की बात नहीं, एक बचाने की बात की है। तो दोस्तों हमारे लिए उसके लिए एक सलूट रहता है कि उसने एक बेजुबान जीवों को बचाया है। तो ठीक, तो बने रहिए हमारे आखिरी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों बहुत जल्द ही निकाल के दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। बटिया लौटी गए यानी यहाँ पर जो कंडे रखे हुए हैं, कंडे में ही एक सांप बैठा हुआ है। वहाँ पर कंडे निकालने के लिए आए थे और बड़ा हादसा होने से बचा। अगर व्हाइट अगर हो जाता तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत आ जाती। तो हम इसको हटाएंगे और बहुत जल्द ही बाहर लाएंगे। इसी कंडो में बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं बिग साइज कोबरा है। चलिए दोस्तों, इसकी जानकारी मैं बाहर दूंगा। अर्जुन छोड़ो हुआ करे झंझला है कोबरा है, शायद 12 सा सांप है। तो दोस्तों इन जीवों से सावधान रहें। अगर कभी भी ये व्हाइट अगर हो जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट जाइएगा जहां पर एंटी वेनम अवेलेबल है, क्योंकि क्या होता है लोग जब ये व्हाइट हो जाता है तो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र उसका इलाज कराते हैं। ये दोस्तों सरासर गलत है कि इसका कोई भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र बिल्कुल भी नहीं है। जो आप देख सकते हैं इसकी धौंप तो फूल दे ही दे को। इतना भौंक रहा है। तो दोस्तों ये बेजुबान जीवों को बचाने में हमारी सहायता करें कि इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण भी एक सेफ थोड़ा सा हमारा एक पर्यावरण भी सेफ बना रहेगा और जिससे इन जीव जंतु की जान भी बची रहेगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये बिग साइज कोबरा है कि लगभग मैंने बताया है कि 12 से 13 साल तक का ये पुराना सांप है। दोस्तों इसका क्या होता है, इसमें एक नोरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और बगैर देर करे हुए आप डिस्ट्रिक्ट जाइए और जहां पर इसका एंटी वेनम है
दोस्तों घर के डिस्ट्रिक्ट में एस के अग्रवाल और डिस्ट्रिक्ट ये दो ही अस्पताल हैं, वहीं पर आप इसका जो भी इलाज होता है ट्रीटमेंट वो आप बहुत जल्द ही करवा के अपने घर वापस यानी खुशहाल परिवार में आए। नहीं तो दोस्तों इसने इस सांप ने इसके जिस सांप जिसके लिए इस सांप ने काटा है और दोस्तों कोई भी झाड़ फूंक कराने के लिए गया है तो दोस्तों वो घर एक मातम में बदल गया है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण बचाओ और जीव जंतु बचाओ, यही हमारा एक उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है ना मारना है कि अच्छी ठिया पर जहाँ अनुकूलित वातावरण है वहाँ पर इसे रिलीज कराना, यही हमारा एक उद्देश्य है। आप देख सकते हैं ये कोबरा स्नैक है और इसका वाइट हुआ हुआ आदमी मात्र 45 मिनट तक ही जीवित रहता है और इसके बाद दम तोड़ देता है। तो ठीक है दोस्तों मैं इसे अब पैक करूँगा। देखते इसकी फुकार जो दोस्तों कितनी गुस्से में है। ये क्या चीज है, ये मेरे हाथ में एक कपड़ा है यानी अपने के लिए जब खतरा समझता है तभी ये हुड लेके खड़ा हो जाता है और वार्निंग देता है कि हट जा सामने से वरना मेरे वाइट हो जाने से आपकी जान भी जा सकती है। देखो बदले का पता नहीं बना नहीं चलो बोले के आइए जरा डब्बा बंद करो कट्टा रख। अरे कट्टा ले आइए, कट्टा ले आओ, कट्टा ले आओ, कट्टा ले आओ। दोस्तों वीडियो देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, एक स्पर्ट के लिए है, आपके लिए नहीं है। जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों मैं यहीं पर इसे ये बेजुबान जीव जिसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो यहीं पर मैं रिलीज करूंगा। तो देखिए दोस्तों देखिए बिग साइज कोबरा है। तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के विनती है इन बेजुबान जीवों को बचाने में हमारी सहायता करें, ये कभी भी हमारे बेजुबान जीव पृथ्वी पर नष्ट ना हो कि नहीं तो इनकी जाति इन्हें विलुप्त होती जाएगी। तो इनको अच्छी तरीके से इन्हें रिलीज करवाना ये बहुत बड़ा एक मानवता का एक धर्म है। ठीक है दोस्तों हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा, इंसानों से सांपों को दूर रखना और सांपों को इंसानों से दूर रखना यही हमारा लक्ष्य बना हुआ है। ठीक है दोस्तों मैं यहीं पर इसे रिलीज करूँगा, यहाँ पर जंगल भी यहाँ ऊपर यहाँ भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों जय हिंद जय भारत।